बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में बिहार की सड़क परियोजनाओं के संबंध में सकारात्मक वार्ता किया। बैठक में बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे, गंगा पर जेपी सेतु के समानांतर पुल, पटना से कोइलवर एवं अनिसाबाद से दीदारगंज के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की मांग की तथा केंद्र की लंबे अरसे से लंबित परियोजनाओं जैसे पटना गया हाजीपुर छपरा महेशखूंट सहरसा पूर्णिया एनएच मुजफ्फरपुर बाईपास को शीघ्र पूर्ण कराने पर विमर्श किया। केंद्र सरकार से बिहार को अभी तक कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिला है, इसलिए डिप्टी सीएम ने बैठक में 3 एक्सप्रेसवे की मांग की। इसमें एक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए है जिसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ता है, लेकिन उस पर घोषणा के बावजूद कोई प्रगति नहीं है। दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल दिघवारा हल्दिया के बीच है, वहीं तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो गाजीपुर तक है, उसको बिहार में भागलपुर तक किए जाने का अनुरोध किया गया है। डी 11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट।